तो हेलो गाइस, आज मेरे पास आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ एंड बात करते हैं गौरव जोशी के बारे में। गौरव जोशी ने पुनीत सुपरस्टार को एक चैलेंज दिया है, क्योंकि पुनीत सुपरस्टार अभी के टाइम पर काफी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, जिसको लेकर गौरव जोशी ने पुनीत सुपरस्टार को चैलेंज कर दिया है। तो उन्होंने क्या चैलेंज किया, आप देखिए इस वीडियो क्लिप में। कीड़े मकोड़े तू वही टट्टी खा रहा है, कुत्ते की, हाथी की, बिल्ली की, नाली में लोट रहा है। अगर तेरे में दम है तो मेरे डॉलर की टट्टी खा के दिखा। ये ना हमारा डॉलर पुनीत को अपनी टट्टी खिलाएगा, खिलाएगा रूबी रूबी भोकरी खिलाएगा, खिलाएगी रूबी तो अपनी टट्टी। तो भाई ये पैसे मैं लाइव चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 10,000 रूपए दूंगा पुनीत सुपरस्टार को अगर वो डॉलर या रूबी में से किसी की टट्टी खा ले। खिलाएगा ना पुनीत को अपनी टट्टी, रूबी तो पागल होगी। और इसकी डॉलर की टट्टी कैसी, एक बार वो भी दिखा दूं। तो भाई ये देखो 10,000 रूपए में ये लैंड है, तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जहां पर लव कटारिया के पापा को एक फेक पुलिस कॉल आता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि आपका बेटा थाने में बंद है, अगर आप उसे छुटाना चाहते हो तो 10,000 रूपए तुरंत पेटीएम कर दो। जिस पर लव कटारिया का वीडियो सामने आया है, तो क्या कहा उन्होंने आप देखिए इस वीडियो क्लिप में। भाई मार्केट में क्या नया स्कैम चल रहा है मुझे आज पता लगी। आज सुबह होता है क्या, मैं तो सो ही रहा था, पापा के पास एक फोन आता है कि हम जी इस थाने से बोल रहे हैं और आपका लड़का रात को मार पिटाई करके किसी को ठोक ठाक के दारू दूर पी के घर भगा, हमने भगते भगते इसको पकड़ लिया, हमारे थाने में बंद है। और आप इतने में ही क्या हुआ कि मेरे पापा को याद आई कि मतलब मैं लवकेश तो घर पे ही सो रहा है, तो मेरे रूम में आते चेक करने, तो उन्हें पता लग गया कोई मजे ले रहा है, कोई स्कैम वगैरह कर रहा। तो कह रहा जी कौन से थाने से बोल रहे हो आप, तो उधर से बोलते जी मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे चोर इस थाने से बोल रहा हूँ, इसको अगर छुड़वाना है तो आप 10,000 रुपये अभी पेटीएम कर दो इस नंबर पर और आप छुड़वा लोगे, और लो मैं आपकी बात करवा देता हूँ। फिर पापा कहे कि बात करवा रहा हूँ जी, करवाने अगर बात, तो उसने जब बात करवाई ना भाई पुलिस वाले ने, तो पीछे से बिल्कुल मेरे जैसी आवाज़ आती है, पता नहीं वो AI थी या क्या थी, ये मेरे को समझ नहीं आया, पर पापा समझ चुके थे कि स्कैम है। तो उसने कहा कि हाँ अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ 10,000 रुपये, इसको छुड़वाने आ रहा हूँ, अब इसको मारना वारना मत। तो पापा ने फ़ोन काट के मेरे को बताया उठ के बाद, और उस नंबर को कर दिया ब्लॉक, ठीक है ना। तो भाई ऐसे स्कैम बहुत चल रहे हैं, तो आप अपने घर वालों को बताओ, इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर आगे फैलाओ कि पुलिस वाले स्कैम से बचें। इस वाले इसके अलावा भी भाई काफ़ी SBI वगैरह वाले रिवॉर्ड रूड दे रहे हैं, हम आपको फ्री मेनू दे रहे हैं किसी भी चीज़ में ना, अगर आपको ये लगे ना कि ये फालतू फंड में क्यों मिल रहा है, तो मैं थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है भाई, उस चीज़ से बचो और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि भाई ये काफी फनी भी था पर था तो स्कैम ही। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, यहाँ पर हम बात करने वाले फुकरे इंसान के बारे में। रिसेंटली MR Beast KSI लोगन पॉल इंडिया आए थे, आपको पता होगा कि उनका जो प्राइम ड्रिंक है उसको लॉन्च कर दिया इंडिया में, एंड उनसे बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलने भी गए थे, जिसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इंडिया के बिग यूट्यूबर्स बिक गए हैं, जिसको लेकर फुकरे इंसान ने अपनी रिसेंट वीडियो में उन सभी लोगों को रिप्लाई दिया है। तो उन्होंने क्या कहा आप देखिए इस वीडियो क्लिप में। पढ़ रहा था जैसे KSI लोगन मिस्टर बीस्ट यहाँ आए, एंड मैंने देखा इंडियन यूट्यूबर्स गॉट सोल्ड आउट एंड स्टफ। मैं एक चीज बताता हूँ, देखो रुको, जैसे भाई कैरी भाई है, कैरी भाई ने भी अपनी वीडियो बनाई, हम सारे यूट्यूबर्स गए, मैं अपनी यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, हम सारे यूट्यूबर्स आते हैं, सो इट्स पार्ट ऑफ यूट्यूब कल्चर। मुझे ऐसा लगता है किसी कोई हमारी कम्युनिटी का बंदा हमारे को बुलाता है, हम लोग जाते हैं भाई, हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि नहीं कैरी भाई पैसे लगेंगे आने के, या मेरे को कोई क्रिएटर बोलता है भाई मैं आ रहा हूं तो तेरे से पैसे लूंगा, नहीं भाई हम लोग मिलते हैं, आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये हम इंडियन कम्युनिटी में करते हैं, राइट। अब KSI लोगन मिस्टर बीस्ट दे हैव अ वेरी वाइड ऑडियंस, एंड बिलीव मी और नॉट, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग यूट्यूब उन्होंने कभी ना कभी इन तीनों को देखा ही देखा, दे हैव बीन द बिगेस्ट क्रिएटर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड नाउ व्हेन दे विल कॉल अस, तो इफ हमारा नेम पॉपअप होता है तो व्हाई विल वी नॉट गो ब्रो। KSI मिस्टर बीस्ट लोगन पॉल का विजिट हैज डिस्टरप्टेड द इंटरनेट, इतना ज्यादा वायरल हुआ है उनका यहाँ आना, बट होगा बिकॉज भाई दे हैव द क्रेज, लोग उनको पसंद करते हैं तो क्रेज तो होगा ही, पर ये जरूरी नहीं होता कि तुम कॉन्ट्रोवर्सी करो। बाकी इन सब पर आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।